नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1 एंड 6। आपको इसका रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप यहां पर नोट कर लें, लेट द रेशियो बी इज इक्वल टू के रेशियो वन कर देते हैं इसे। क्या कर देते हैं? के रेशियो वन कर देते हैं। कल आपने फार्मूला जो हमारा पिछला वीडियो था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने कल अपलोड किया था, तो उस चीज को आपने देखा होगा। यहाँ पर x निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि एम एक्स लिख देते हैं और प्लस एम एक्स यहाँ पर भी लिख दें और अपान एम और प्लस एम, ठीक है ना। इसको 1 और 2, यहाँ पर 2 और 1, ये 1 एंड 2 लड़ हो गया। इस x पर आप यहां पर -1 देंगे। क्या देंगे? -1, ठीक है ना। अब m1x2 पर देंगे, m1 हमारे पास k हो जाएगा, m1 क्या आ जाएगा हमारे पास k, ठीक है। दूसरा नंबर हमारे पास 1 पर क्या आएगा? 1 पर आएगा मेरे पास 6, कितना आएगा? 6। तो ये हो गया k मल्टीपल बाय 6, प्लस का साइन लगा दीजिए। m2 क्या हो जाएगा मेरे पास? 1 हो जाएगा, m2 1 और यहाँ पर x जो x1 है, x1 कितना है? -3 है, अपान m1 प्लस m2, m1 क्या है? k है और m2 1 है, तो यहाँ पर आप लगा दें k प्लस 1। फाइनली आप यहाँ पर लिखेंगे 6k-3 एंड k+1। देखिए यहां से इसको ले आए तो ये हो जाएगा -k-1 6k-3 -k, इसको इधर ले आइए तो -6k हो जाएगा और यहां पर -3 है, ये जाएगा तो +1 हो जाएगा। यहां पर हो गया -7k, -3 + 1 -2 हो जाएगा, देन के इज इक्वल टू -, से क्रॉस जाएगा, के इज इक्वल टू 2/7, के इज इक्वल टू 2/7। लाइक दिस आप वाई के लिए चलते हो, वाई के लिए आप भी यही लिखोगे y1 + m2 y1, ठीक है ना, m1 y2 and 2 1, राइट। और यहां पर हो जाएगा m1 + m2। अब y के लिए क्या रखना होगा? y के लिए आप 6 को रखेंगे क्योंकि x पर 1 है और y पर 6 है, तो आपने 6 रख दिया। m1 हमारे पास क्या है? m1 हमारे पास k और y2 -8 हो गया, y2 -8 प्लस m2 1 हो गया और y1 हमारे पास क्या जाएगा? 6 हो जाएगा अपान k+1, ठीक। अब क्या करिएगा यहां पर क्या जाएगा? 10 हो जाएगा। अब देखो यहां से आपने लिया 6 -8k + 10 और k+1, यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6k + 6 = 6 और यहां पर हो गया 8k + 10, ठीक है ना। अब यहां से 6k और इसको ले आएंगे तो यहां पर +8k हो जाएगा और 10 और ये जाएगा -6 = 4 और ये हो जाएगा 14k, देन k = 4/14, 2 2 = 2 7 k = कितना हो गया? 2/7। यहां पर भी k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/7, देन रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 2:7। क्या होगा इसका रेशियो? 2:7 होगा।
उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू वॉच।